ग्वाला नेहरू एक भारतीय उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी राजनेता, धर्मनिरपेक्ष मानववादी, सामाजिक लोकतंत्रवादी और लेखक जो 20वीं सदी के मध्य में भारत में एक केंद्रीय व्यक्ति थे। नेहरू 1930 और 1940 के दशक में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने 16 वर्षों तक देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। नेहरू ने संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और आमतौर पर उनके नाम के पहले लगाया जाता है पंडित दुनिया भर में पढ़ी गई है। सम्मान सूचक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एन ऑटोबायोग्राफी एक पिता से उनकी बेटी को पत्र के दो फुटों से दूर रखा। एक सुप्रसिद्ध लेखक उनकी किताबें जेल में लिखी गई, जैसे शीत युद्ध ने 1950 के दशक के दौरान एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत के स्वरूप को शक्तिशाली रूप से प्रभावित किया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उन्होंने भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मोतीलाल नेहरू के पुत्र एक प्रमुख वकील और भारतीय राष्ट्रवादी जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। हैरो स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में और आंतरिक मंत्री में कानून का प्रशिक्षण लिया। वह बैरिस्टर बन गए और भारत लौट आए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिला लिया और धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में रुचि लेने लगे, जो अंततः एक पूर्णकालिक व्यवसाय बन गया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। 1920 के दशक के दौरान एक प्रगतिशील गुट के नेता बने और अंततः कांग्रेस के नेता बने। का समर्थन प्राप्त हुआ का अहम चिन्ह। ब्रिटिश राजपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष जिन्हें नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी नामित करना था। 1929 में महात्मा गांधी। 1930 के दशक के दौरान नेहरू और कांग्रेस भारतीय राजनीति पर हावी थे। नेहरू ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य के विचार को 1937 के प्रति चुनाव कांग्रेस को चुनावों में जीत हासिल कराने में और कई प्रांतों में सरकार बनाने की अनुमति दी गई। सितंबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने वायरस लॉर्डे लिनाथिंगो के परामर्श के बिना युद्ध में शामिल होने के निर्णय को विरोध में इस्तीफा दे दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भारत छोड़ो संकल्प के बाद 8 अगस्त 1942 को वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया गया और कुछ समय के लिए संगठन को दबा दिया गया। नेहरू, जिन्होंने तत्काल स्वतंत्रता के लिए गांधी के आह्वान पर अनिच्छता से ध्यान दिया था और इसके बजाय मित्र देशों के युद्ध प्रयासों का समर्थन करना चाहा था। द्वितीय विश्व युद्ध एक लंबी जेल की सजा से बाहर आकर एक बहुत ही बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में आ गया। मोहम्मद अली बिचोता के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम में मुस्लिम राजनीति पर हावी हो गई थी। 1946 के पार्टिया चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव जीता, लेकिन लीग ने मुसलमानों के लिए अरसिद सभी सीटें जीत ली, जिसे अंग्रेजों ने पाकिस्तान के लिए संपर्क जन देश माना। किसी न किसी रूप में सितंबर 1946 में नेहरू भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने। अक्टूबर 1946 में कुछ झिझक के साथ लीग उनकी सरकार में शामिल हो गई। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी पर नेहरू ने समीक्षाओं द्वारा प्रशासित भाषण दिया। उन्होंने डोमिनियन ऑफ इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और भारतीय ध्वज फहराया। दिल्ली में लाल किला 26 जनवरी 1950 को जब भारत राष्ट्रमंडल के अंतर्गत एक गणतंत्र बन गया तो नेहरू भारत गणराज्य बन गए। स्थापना में आदरणीय भूमिका निभाई। यह राष्ट्रों का एक समूह था जो दो मुख्य वैचारिक गुटों में सदस्य नहीं चाहता था। सिद्ध युद्ध का कूटनीतिक आंदोलन लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। विदेशी मामलों में उन्होंने बहुदलाई के पहले प्रधानमंत्री और उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया। नेहरू ने बहुलवादी नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस एक सभी को पकड़ने वाली पार्टी बनकर उभरी, जिसने राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति पर हावी होकर जीत हासिल की। 1951, 1957, 1962, 1966 और 286 दिनों तक चला उनका प्रतिनिधित्व काला, जो आज तक भारत में सबसे लंबा है। 1964 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में विख्यात उनका जन्मदिन भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 24 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक स्वनिर्मित अमीर बैरिस्टर जो कश्मीर पंडित समुदाय से थे। उन्होंने दो भारत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1919 और 1928 में उनकी माँ स्वरूप रानी सुसु में सबसे प्रसिद्ध कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थे। लाहौर जो मोतीलाल की दूसरी पत्नी थी, उनकी पहली पत्नी की मृत्यु बच्चों को जन्म देते समय हो गई थी। जवाहरलाल तीन बच्चों में सबसे बड़े थे। अपनी दो बहनों में सबसे बड़े विजेता लक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उनकी सबसे छोटी बहन कुसना हाथी सिंह एक प्रसिद्ध लेखिका बनी और उन्होंने अपने भाई पर कोई किताबें लिखी।